एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। सो आज का ये वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ फर्स्ट फ्राई का बेबी स्किन केयर हॉल। बहुत कुछ है जो मैंने परचेज किया है। इस बार मैं आपको कोई कपड़े नहीं दिखा रही हूँ, कोई एक्सेसरीज नहीं दिखा रही हूँ, कोई बेबी केयर नहीं दिखा रही हूँ। इस बार मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने बेबी के लिए कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, कौन कौन से डायपर्स मैं यूज करने वाली हूँ, एंड ऑल्सो कौन कौन सी वाइप्स है जो मुझे पसंद आई है। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप यहाँ पर नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड व्लॉग्स। नाउ लेट्स बिगिन। आज का जो वीडियो है ना, ये आपको हेल्प भी बहुत करेगा। काफी टाइम से आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बेबी के लिए, जो कि सेकंड डॉटर है मेरी, अभी 5 मंथ्स कंप्लीट कर चुकी है, छठा महीना चल रहा है, कंप्लीट करने वाली है, उसके लिए मैं कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, कौन से मुझे पसंद आए हैं, बेस्ट लगे हैं। और मैंने आपको बताया भी कि स्टार्टिंग का जो ये पीरियड होता है ना, 3 to 4 मंथ्स जो होते हैं बेबी के स्टार्टिंग के, इसमें सिर्फ आप एक्सप्लोर ही कर रहे होते हो कि बेबी की स्किन को एक्चुअली क्या सूट करता है, उसके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा। जरूरी नहीं कि अगर प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है तो ही वो अच्छा होगा, या फिर बहुत चीप है तो ही वो आपके बजट में आएगा और आपके लिए अच्छा होगा। प्रोडक्ट कैसा भी हो सकता है, तो ये हमें टेस्ट करना पड़ता है, अप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो मैंने भी बहुत सारी चीजें टेस्ट करी। ऐसा नहीं है कि जो मैंने मेरी फर्स्ट डॉटर के लिए यूज करा था वही मैं अब सेकंड डॉटर यानी सेकंड बेबी को भी मैं लगाने वाली हूँ। मैंने वो सेम प्रोडक्ट भी अप्लाई करके देखे, लेकिन बोलते हैं ना कि हर बेबी अलग होता है और हर बेबी की स्किन भी अलग होती है, तो यहाँ बेबी की स्किन अलग रही और उससे थोड़े प्रोडक्ट्स सूट किए, कुछ नहीं समझ में आया मुझे, तो इसलिए फाइनली जो अपडेटेड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने परचेज करी है कुछ चीजें जो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलो अनबॉक्सिंग तो कर ली मैंने सारी चीजों की, तो लेट्स स्टार्ट विद बेबी वाइप्स। तो पहली जो बेबी वाइप है वो मैंने परचेज करी है मामा अर्थ की, और हमेशा ही बेबी के लिए जो चीजें परचेज करते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब सेल का टाइम चल रहा होता है ना तो और मजा आ जाता है। तो ये दो वाइप मैंने परचेज करी, इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ, 249 रुपीज इसका प्राइस है, डिस्काउंट भी मुझे मिला है। ये मैंने दो ली है, फुल साइज पैक है, इसका मिनी पैक भी आपको मिल जाएगा, ट्रैवल पैक जो होता है। नेक्स्ट जो वाइप है वो है मैनी पोको पैंट्स से। ये वाइप मैंने मेरी फर्स्ट डॉटर के लिए भी यूज करी और यही वाइप मैंने रेगुलरली यूज करी, देन उसके बाद में मैं मामा अर्थ पर स्विच हो गई थी जब ये लॉन्च हुई थी बैम्बू वाइप्स। सो ये वाली वाइप भी काफी अच्छी रही है, ये अभी उनका मॉडिफाइड अपग्रेडेड वर्जन आया हुआ है, तो इसे मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। वैसे तो मुझे अच्छी लगी है ये वाइप्स, लेकिन अब आगे देखते हैं आगे कैसी रहती है। सो इसका जो प्राइस है 280 रुपीज इसका प्राइस है, इसमें आपको मिल जाती है 120 शीट्स, और मामा अर्थ में कितनी शीट मिल रही है, 72 वाइप्स मिल रही है, इसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 249। तो बेबी हक की जो ये वाली वाइप्स है ना, एडवांस वाली, इसका ट्रैवल पैक मैंने यूज किया हुआ था स्टार्टिंग में ही, जब बेबी डिलीवर हुई थी मेरी उस टाइम, तो मुझे काफी पसंद आई। तो अब देखते हैं कि अब कैसा रहता है इन सारी वाइप्स के साथ में। वाइप्स तो काम में आती हैं और बहुत टाइम है भी, तो वाइप्स काम में आ ही जाएंगे, और अगर बेबी को मुझे कोई वाइप नहीं पसंद आती है, नहीं समझ में आती है, तो मैं खुद वो वाइप यूज कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने परचेज किया मदर स्पर्स से, ये तो आप देख रहे हो कि कॉम्बो पैक रहा और 30% ऑफ यहीं पर दिखा रहा है, इसके बाद भी डिस्काउंट था, और ये 99% प्योर बैम्बू वाइप्स हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सारे ही पीडियाट्रिशियन रिकमेंडेड हैं। इसका प्राइस है 299 रुपीज, 72 बेबी वाइप्स हैं इस एक पैक में, और ये कॉम्बो है तो काफी बेनिफिशियल हो जाता है। और इसके साथ एक पाउच में भी कुछ मुझे मिला है, क्लींजर है, यस बेबी एक्सेसरीज क्लींजर का ट्रायल पैक मिला है। नेक्स्ट वाइप मैंने ली है किको से, और ये मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। एक्चुअली जितने भी मैंने प्रोडक्ट परचेज करे हैं, काफी सारे इनमें से मॉम्स के थ्रू रिकमेंडेड भी रहे हैं कि उनको पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। उनमें से एक है ये वाली वाइप, ऑल्सो ये मदर स्पर्श की जो बेबी वाइप्स हैं, इन्हें भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो ये भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही सजेस्ट किया कि मैं इसे ट्राई करूँ और देखूँ कि ये कैसी है, और उनके हिसाब से बहुत अच्छी है, तो मैं भी ट्राई करती हूँ। सॉफ्ट क्लींजिंग वाइप्स हैं, जैसे कि लोगों ने मुझे बताया था, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है इसमें, कैमल एक्सट्रैक्ट है। इसमें कितनी वाइप्स मिल जाती हैं, 219 यानी 219 रुपए का ये पैक है, इसमें 72 पीसेस मिल जाते हैं। इसके साथ मैं बेबी की वाइप्स को स्टोर करने के लिए डिस्पेंसर भी लिया है, वो अमेजोन से लिया, जब डिलीवर होगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट दो स्टफ हैं, ये एक्चुअली एक्सेसरीज है बेबी की, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नो फर्स्ट है ये टीथर, ये वाटर सिलिकॉन टीथर है, ऑर्डर फ्री है, नॉन टॉक्सिक है, एंड अच्छा है, काफी रिजनेबल था। सो ये मैंने लिया है चीकू के लिए,
एंड नेक्स्ट मैंने लिया है ये इंटेलिजेंट मोबाइल फोन है, ये म्यूजिकल गैजेट है, बेसिकली ये 3+ एज ग्रुप के लिए है और म्यूजिकल टॉयज तो वैसे भी काफ़ी अच्छे थे, बैटरी ऑपरेटेड है ये और यानी का भी काम में आ जाएगा और अभी चीकू भी अभी ग्रो करेगी तो इसके काम में भी आ जाएगा, तो बेसिकली ये दोनों मैंने लिया है, सिर्फ यही दो एक्सेसरीज या गैजेट्स जो मैंने लिया है। इसके बाद मैं आपको स्किन केयर दिखाती हूँ। तो फर्स्ट है जॉनसन बेबी की ये बेबी फेस क्रीम, मैंने अनिका को भी इसे यूज किया है काफी बड़े तक, यानी लाइक अभी तक मैंने उसे इसे यूज किया और ये मुझे बहुत पसंद आई तो इसमें अभी भी यूज कर रही हूँ। ये एक्चुअली काफी अच्छी रही है, अभी तक स्किन को सूट कर रही थी एंड मैं भी इसे अप्लाई कर लेती हूँ। द बेस्ट पार्ट इज किसी भी सीजन में आप इसे अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है और इसका जो प्राइस है मैंने पैक परचेज किया 160 रुपीज इसका प्राइस है, 100 ग्राम्स इसकी क्वांटिटी है। नेक्स्ट मैंने लिया है वीनो बेबी का डेली मॉइस्चर लोशन और ये है पीडियाट्रिशियन रिकमेंडेड, जो बेबी की सेंसिटिव स्किन होती है ना उसे मॉइस्चर लॉक करने के लिए ये वाला जो लोशन है काफी अच्छा रहता है। ये भी मुझे मॉम्स के थ्रू ही रिकमेंड हुआ है, मैं पहली बार इसे ट्राई कर रही हूँ, अभी तक मैंने नहीं ट्राई किया लेकिन इसके रिव्यूज काफी अच्छे रहे हैं, मैंने खुद भी सर्च किया देन उसके बाद में इसे परचेज किया है। तो ये फ्रेग्रेंस फ्री है, एलर्जी फ्री है, नॉन टॉक्सिक है और काफी माइल्ड है। तो इसका जो प्राइस है 849 रुपीज इसका प्राइस है, 227 ग्राम इसका क्वांटिटी है। तो जो भी प्राइस डिटेल होगी मैं शेयर कर दूंगी स्क्रीन पर और परचेज डिटेल आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट मैंने लिया है सिबा मिड से, 4 प्रोडक्ट परचेज किए हैं। वन इज क्रीम, एक्स्ट्रा सॉफ्ट बेबी क्रीम है फॉर डेलिकेट स्किन। अब बेबी को ओकेजनली हम फेस क्रीम वगैरह लगाते ही रहते हैं, सो मैंने सोचा चलो ठीक है अब सेवा मेट के प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ, सो ये भी परचेज कर लेती हूँ। और ये रही ट्यूब, ये आउटर बॉक्स है। सेवा मेट के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं और थोड़ा सा रेंज इसकी ज्यादा रहती है लेकिन प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं और बेबी की स्किन के लिए भी काफी अच्छा रहता है, ये सूट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अगर आपकी बेबी की स्किन सेंसिटिव है डेफिनेटली आप सेवा मेट ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा प्राइस मुझे इसका लगता है लेकिन ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीडियाट्रिशियन रिकमेंडेड है, सो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगी। इस फेस क्रीम का प्राइस है 222 रुपीज, आई गेस इतना ज्यादा भी नहीं है, कुछ चीजों का प्राइस मुझे लगा ज्यादा। नेक्स्ट मैंने परचेज किया सेवा मेट का बेबी बॉडी लोशन और ये ज्यादा बड़ा पैक नहीं लिया मैंने, छोटा लिया क्योंकि मैंने अवीनो का ये बेबी बॉडी लोशन भी लिया था। अब ये बेबी स्किन को काम करता है, सूट करता है, नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्ट है, फ्रेग्रेंस फ्री है, ट्रैवल फ्रेंडली पैक है ये। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ml, इसका प्राइस है 491 रुपीज। सेवा मेट की रेंज पे भी ऑफ चल रहा था, डिस्काउंट थे अच्छे खासे तो मैंने शायद यही देख के परचेज किया था। नेक्स्ट मैंने लिया सेवा मेट का ये शैम्पू है, दिस इज फॉर डेलिकेट स्कैल्प। सो ये मैंने पैक लिया है दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए, दोनों के लिए लिया है। ये इसका आउटर बॉक्स है और इसके साथ ये है इसका मेन पैक। सो 500 ml इसकी क्वांटिटी है एंड इसका प्राइस है 1020 रुपीज। नाउ सेवा मेट के जो प्रोडक्ट्स है ना ये आप न्यू बॉर्न बेबीज को भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डे वन से यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ऐसा बहुत सारी मोम्स का कहना है जिन्होंने इसे रेगुलरली यूज किया डे वन से। भाई मैं तो प्रेफर नहीं करती हूँ कोई स्पेशल स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को, मैंने खुद भी नहीं लगाया सो मैं ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने लिया है सेवा मेट का है फेस एंड बॉडी वॉश फोम, ये वॉश जेल नहीं है ये फोम है। अगेन मैं आपको बताऊंगी क्योंकि दोनों बच्चों को देखते हुए मैंने परचेज करे हैं ये वॉश एंड शैम्पू, सो मैंने ये फोम परचेज किया है और बड़ा बॉटल परचेज किया है। इसकी प्राइस है 900 रुपीज, 400 ml इसकी क्वांटिटी है। ये भी पम्प बॉटल है और शैम्पू भी पम्प बॉटल ही थी। नेक्स्ट मैंने लिया है सीटाफिल का बेबी सोप, ये बेबी सोप बहुत अमेजिंग है, मतलब मैंने लिए तो कई सारे सोप थे डिफरेंट ब्रांड्स के लेकिन मैंने यूज यही किया डे वन से, जब भी मैं बेबी को क्लीन करती थी या फिर स्पॉन्ज बाथ देती थी, वाइप करती थी, नहलाती थी, फर्स्ट बाथ में मैंने यही वाला सोप यूज किया। दिस इज सो गुड, बहुत माइल्ड है, बहुत सॉफ्ट है, इसके बाद ना बेबी की स्किन भी सॉफ्ट फील होती है, नरम से फील होती है, मॉइस्चर लॉक करता है और डीप नरिशमेंट भी देता है एंड ऑल्सो बेबी की स्किन सेंसिटिव है तो ये सूट भी करता है, बेबी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। 218 218 रुपए का है, 75 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। और इसके बाद मैंने लिया है हिमालय का ये डायपर रैश क्रीम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो डायपर रैश क्रीम है ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा हिमालय पर ट्रस्ट है और यही एक सिंगल क्रीम है जो मुझे बहुत पसंद आई और मैं बिल्कुल मैं स्विच नहीं करना चाहती इससे, ये एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें मैं बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं यही यूज कर रही हूँ। टच वुड लकीली अनिका को भी ये सूट किया था और अब
अनविका को भी ये सूट कर रहा है। ये एक्चुअली मैंने ट्रैवलिंग के पर्पस में ही लिया है जो कि मैं डायपर बैग में रखने वाली हूँ। अभी विंटर्स चल रहे हैं तो मैंने विंटर्स को ध्यान में रखते हुए परचेज किया डबल लाल तेल। मैंने बड़ा पैक ही ले लिया अब क्योंकि रेगुलरली बेबी को ऑयलिंग होनी है। ठंड के टाइम पे हम प्रिफर करते हैं डबल लाल ऑयल लगाना, मस्टर्ड ऑयल लगाना जो कि होममेड है, घर पे प्रिपेयर किया गया है, एंड ऑल्सो कोकोनट ऑयल लगाना प्रिफर करते हैं। और कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पर ये वाला जो ऑयल है लाल तेल ये भी हम लगाना प्रिफर करते हैं। और अब बेबी 6 मंथ की हो रही है तो ग्रोइंग एज में है, ऐसे में ये वाला ऑयल काफी हेल्पफुल रहता है। ठंड है तो बेबी को थोड़ा सा गर्म भी फील होता है, बॉडी को वार्म रखता है और स्ट्रेंथ देता है। ये 500 ml की क्वांटिटी है, 425 rupees इसका प्राइस है। ये रही बॉटल तेल की, वही ट्रेडिशनल बॉटल है जो कि सालों से चली आ रही है और अभी भी वही बॉटल है। एंड ये भी मैंने लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है मामा अर्थ का ये वेपर रब, ये इजी ब्रीथ के लिए, कोल्ड कफ के लिए ये वाला वेपर रब है। ठंड का टाइम है, कोल्ड कफ होता ही रहता है बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को, बेबीज को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसे में कोई भी हम वेपर रब नहीं यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला लिया है मामा अर्थ का और इसका जो डिस्क्रिप्शन था मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। और ऑल्सो ये क्योंकि मेड सेफ है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है। 50 ml इसकी क्वांटिटी है और इसका प्राइस है 199 rupees। तो ये तो थे बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी बेबी के लिए कौन से डायपर में इन्वेस्ट किया है फाइनली, मतलब फाइनली मुझे कौन से डायपर अच्छे लगे। डायपर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। आई एम सो सॉरी मैंने अभी तक शेयर नहीं किया लेकिन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सो एक तो बड़ा पैक मैंने आपको दिखाया ही है जो कि मैमी पोको पैंट्स से है, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा वो वाला डायपर, वो मैं यूज कर ही रही हूँ। उसके बाद ये 1, 2 एंड ये वाला जो है डायपर 3, ये 3 फाइनल डायपर हैं जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे, काफी पसंद आए और मैंने इन्हें परचेज किया और आगे भी मैं यही यूज करने वाली हूँ। अब जैसे बेबी ग्रो करेगी, बैठना शुरू कर दिया है उसने, अभी खड़ा होना और क्रॉल करना स्टार्ट करेगी वो, तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि बेबी को टेप स्टाइल जो डायपर है वो ज्यादा सूट हो रहे हैं या फिर पैंट स्टाइल ज्यादा सूट हो रहे हैं। फिलहाल तो मैं बिल्कुल स्टिक हूँ टेप स्टाइल डायपर पे, पैंट मुझे उतना समझ में नहीं आया। फर्स्ट जो डायपर है पैंपर्स का एक्टिव बेबी, ये टेप स्टाइल डायपर है और अच्छा जेल टेक्नोलॉजी है, ये अच्छा सोक करता है। एंड ये मैंने परचेज किया साइज एल में, 9 to 14 kg साइज है। सो इस पैक में आपको मिल जाते हैं 18 टेप डायपर, तो इसका प्राइस है 449 rupees। एक डायपर 24 rupees का पड़ता है। नाउ नेक्स्ट मैंने लिया बेबी हक से ये डायपर, बेबी हक प्रो है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया हुआ है कि ये डायपर मैं यूज कर रही थी, स्टार्टिंग में मैंने ट्रायल भी लिया था, मुझे बहुत पसंद आया और इसका टेप स्टाइल भी मैंने यूज किया, पैंट स्टाइल भी यूज किया, दोनों ही डायपर मुझे अच्छे लगे हैं बेबी हक से। फिलहाल मैंने लिया है टेप स्टाइल डायपर बिकॉज मैंने आपको बताया कि मुझे टेप डायपर ज्यादा पसंद आए हैं इन कंपैरिजन नॉर्मल जो पैंट डायपर होते हैं। सो ये भी मैंने लिया है एल साइज में, 9 to 14 kg साइज। इसमें 23 डायपर्स मिल जाते हैं टेप स्टाइल में, सिल्की सॉफ्ट है, इसमें शिया बटर एंड की लेयर भी की हुई है, वेटनेस इंडिकेटर इस पे दिया हुआ है, बबल लेयर टेक्नोलॉजी है, टेप स्टाइल है तो काफी अच्छा रहता है और काफी स्मूथ एंड लाइट वेट है ये वाला डायपर, मुझे ये काफी पसंद आया है। इसमें इसका प्राइस है 645 rupees, 28 rupees का एक डायपर पड़ता है। सो संभाल संभाल कर यूज करो तो फिर अच्छा चल जाता है। वैसे बेबी के लिए बेस्ट डायपर लेना ज्यादा अच्छा रहता है, मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी चीज है ना जो कि हम बेबी को काफी टाइम तक पहना करके रखते हैं, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ले लेती हूँ, मेरे हिसाब से वही मुझे सही लगता है। 12 आवर्स की ड्राइनेस देता है, यानी कि अगर आप रात को पहना देते हो ना, ओवरनाइट आपने पहना के रखा बेबी को, तो बहुत अच्छा चल जाता है। अब आप पूछ रहे थे कि बेबीज के लिए हम डायपर का साइज कैसे सिलेक्ट करें, तो इसमें हर पैकेट में मेंशन होता है, लाइक एम साइज का ये वाला डायपर है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मीडियम साइज 6 to 11 kg बेबीज के लिए। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर एम साइज मेंशन किया है आपके बेबी को भी एम एस या फिर एल साइज ही आए। आपके बेबी का वेट क्या है एंड ऑल्सो आपके बेबी की ग्रोथ कैसी है, बेबी पतला है, बेबी मोटा है, बेबी थोड़ा सा चबी है, उस हिसाब से भी आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा वाला डायपर कौन से साइज का अपने बेबी के लिए परचेज कर रहे हो। जस्ट लाइक विथ अस कि अभी जो हमारी बेबी है वो 8 kg हो गई है, उसका जो वेट है वो 8 kg है। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ, अगर मैं वेट का ध्यान दूँ तो एम साइज उसके लिए सही होगा, लेकिन उसे एम साइज भी आता है एंड ऑल्सो उसे एल साइज भी आता है क्योंकि उसके लेग्स और जो थाइज हैं वो थोड़ी सी चबी है, तो उसको एल साइज भी आता है और अच्छे से आ जाता है। इसीलिए मैंने टेप स्टाइल डायपर में इन्वेस्ट किया है क्योंकि पैंट मुझे थोड़े से छोटे फील हुए,
तो वो मुझे एल साइज ही लेना पड़ा। लेकिन जो टेप स्टाइल वाले डायपर्स हैं ये मैं करंट साइज में यूज कर सकती हूँ क्योंकि इसे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज ये भी डायपर है। ये मैंने लिया है पैम्पर्स बेबी ड्राई। ये मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट डायपर रहा है, फर्स्ट बेबी में भी सेकंड में भी ये मुझे बहुत पसंद आया है। और सेम ये जो बेबी हक का डायपर इसी तरीके से ये वाला भी वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम मुझे अब तक फेस नहीं करनी पड़ी। इनफैक्ट बेबी को जो रैशेस वगैरह आ जाते हैं ना डायपर पहनाने से, बहुत देर तक पहना करके रखा, इससे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी आपको, डेफिनेटली आई कैन से। सो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको मिल जाते हैं 20 डायपर्स, मीडियम साइज है। इसका प्राइस है 369 रुपीज, 18 रुपए का एक ये डायपर पड़ जाता है, तो बाकी दो के कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा सा सस्ता है। अगर आप बड़ा पैक ले लेते हो ना तो उसमें आपको और भी बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तो डिस्काउंट चल रहे होते हैं फर्स्ट फ्राइडे पे डायपर्स पे, स्पेशली बेबी स्किन केयर पे स्पेशली चल रहे होते हैं, तो उसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। सो ट्राई करो कि छोटे छोटे पैक से बेटर है कि आप एक बड़ा पैक परचेज करो, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। बेबी छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, सो सुपोर्टी होती रहती है। ठंड का टाइम है, बेबी की तबीयत खराब होती है, बहुत ही फ्रीक्वेंट यूरिन एंड स्टूल आता है, तो ऐसे में डायपर यूज करना मेरे हिसाब से सही रहता है। आप चाहो तो नैपी भी यूज कर सकते हो, लेकिन नैपी यूज करना मुझे ज्यादा सही लगता है, स्पेशली रात के टाइम पर। नेक्स्ट मैंने लिया है मैक्स केयर का कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये मैंने लिया। ये आउटर बॉक्स है, मैंने जार बॉटल ली है इस बार, और ये इनसाइड पैक है। तो ये मैंने अभी अभी निकाल लिया और यूज करना स्टार्ट कर दिया है। इसे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सा वाला कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ बेबी की मसाज के लिए, तो यही वाला ऑयल है जो मैं फ्रॉम द बिगिनिंग यूज कर रही हूँ। बीच में मैंने स्विच किया था दूसरे ब्रांड को, लेकिन अगेन उस टाइम भी अवेलेबल नहीं था, वो सोल्ड आउट चल रहा था सभी जगह पर। फाइनली मैंने इसे परचेज कर लिया और फर्स्ट ट्राई पर ही मुझे मिल गया जार बॉटल। सो ये मैंने ले लिया। ये प्लास्टिक बॉटल में भी आपको मिल जाएगा, जार भी मिल जाएगा, तो वो डिफरेंट कंटेनर है तो आप ले सकते हैं। मुझे जार बॉटल ज्यादा अच्छी लगी, इसकी बॉटल भी मैं यूज कर पाऊंगी आगे जाके ना। ये जो कोकोनट ऑयल है ये काफी अच्छा रहता है, बेबी की स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, सूट करता है, नरिश करता है। सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है, कोई भी ऑयल सूट नहीं करेगा लेकिन ये जरूर सूट करेगा। इसकी जो क्वांटिटी है वो 500 ml, और इसका प्राइस है 425 रुपीज, विच इज नॉट दैट मच हाई। मुझे काफी अच्छा लगा, तो आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज इट, एंड फर्स्ट फ्राइडे पे चल रही है मोमो फॉल सेल, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत सारे अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाएंगे। अभी जाओ चेकआउट करो, परचेज करो, इनमें से कोई भी चीज परचेज करना चाहते हो सो उसके लिए आपको परचेज लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।